इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम यानी कि ईडब्ल्यूएस, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 10% का आरक्षण जनरल वर्ग के लोगों को दिया गया है। दोस्तों, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में, आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, इसमें आपको पूरा का पूरा नॉलेज मैं दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं चंद्रमान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को 11 कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। EWS सर्टिफिकेट बनवाने में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा वो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट। ये किस प्रकार से बनाए इसका वीडियो हमने बना दिया है, इसको आप एक दिन में बनवा सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों वो होता है आपका आय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगता है इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम में। तो आय प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से बनाएं इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट होता है आपके ग्राम पंचायत या फिर आपके नगर पंचायत के पार्षद या फिर सरपंच सचिव के लेटर हेड में लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र कि आप इस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका म्यूनिसिपल जनपद पंचायत नगर पंचायत में किसी प्रकार का कोई भी कर्ज नहीं है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों वो होता है आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका अगर है तो आधार कार्ड या फिर आप अपनी समग्र आईडी मेंशन कर सकते हैं। इन सारे सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद आपको एक 50 रुपए के स्टाम्प पे एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करते हैं, चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है ये आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस बनवाने का प्रमाण पत्र है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसका लिंक मैं पहले डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको जैसे लिखा मिलेगा प्रति उपखंड अधिकारी तहसील विजरावगढ़, तो आपको यहां पर ही तहसील विजरावगढ़ की जगह विजरावगढ़ काट के अपनी तहसील का नाम लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं आय संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस संबंध में विस्तृत जानकारी है। अब यहाँ पर आवेदनकर्ता में आपके पिताजी का नाम रहेगा, यानी कि जिसके नाम से ये एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, ये प्रमाण पत्र जिसके नाम से जारी किया जाना है, यहाँ पर उसके पिताजी एप्लीकेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर पिता पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आवेदक विवरण, तो यहाँ पर आवेदक पे यहाँ पर पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, यहाँ पे आवेदक के पिताजी का नाम यानी कि आपके दादाजी का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी का वर्तमान पता यानी कि पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना तहसील, जिला और क्षेत्र वार्ड नंबर फिल कर लेनी है। इसके बाद यह जानकारी अनिवार्य रूप से भरी जाए। यहाँ पर जिसके नाम पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर जिसके नाम पर संपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि ईडब्ल्यूएस जारी किया जाना है, तो यहाँ पर आप जैसे आपके आवेदक में माता है या फिर भाई है या फिर पिता है जो भी है, तो यहाँ पर जिसके नाम पर जारी किया जाना है तो यहाँ पर पुत्र पे टिक करेंगे। अगर आपकी बहन के नाम पे जारी किया जाना है तो बहन पे क्लिक कर देंगे। अगर भाई एप्लीकेंट है और बहन के लिए बनवा रहा है तो बहन पे क्लिक करेंगे। अगर एप्लीकेंट पिता है और पुत्र के लिए बनवा रहा है तो पुत्र पे क्लिक करेंगे। अगर स्वयं है एप्लीकेंट, 18 साल से ज्यादा एज का है और खुद के लिए बनवा रहा है तो यहाँ पे स्वयं पे क्लिक करेगा, यहाँ पे स्वयं पे आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है जिसके नाम पर ईडब्ल्यूएस बनवाया जाना है, तो यहाँ पर अगर एप्लीकेंट पिता है तो पुत्र के नाम पर बनवाया तो यहाँ पर पुत्र का नाम आपको लिखना है, यहाँ पर फिर से पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम फिर इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगी जिसके नाम पर जारी किया जाना है उसकी, यहाँ पर जन्म स्थान, यहाँ पर धर्म, यहाँ पर उपजाति, यहाँ पर सरनेम रहेगा, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पैन कार्ड नंबर, अगर आपको पैन कार्ड नंबर है आपके पास तो यहाँ पर पैन नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो इस प्रकार से, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं, यहाँ पर नाम लिख लेना है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर आय एवं संपत्ति ब्यौरा आपको देखने को मिल जाएगा, क्या आवेदक करदाता है,
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे और नहीं यहाँ पर लिख देंगे। क्या आवेदक पर संपत्ति कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? तो यहाँ पर नहीं कर देंगे आप। हितग्राही की समग्र आईडी यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर वार्षिक आय आपकी कितनी है, इनकम सर्टिफिकेट आपका कितने का बना है वो आपको फिल करना है, यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है, तो सबसे पहले जहाँ भी प्रॉपर्टी है उस ग्राम का नाम लिखना है, अराजी नंबर जो कि आपका खसरा नंबर होता है, रकबा जो कि आपका एरिया होता है, भूमि स्वामी का नाम आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, यहाँ पर आवेदक के भूमि स्वामी संबंध स्वयं लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्म है इस प्रकार से है, यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र लगता है जो कि नोटरी के सामने आपको देना पड़ता है। इसके बाद आपको एक एफिडेविट लगेगा जो कि मैं इसी वीडियो पे लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर आपको शपथ पत्र जो प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर आवेदनकर्ता जो होते हैं वही शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम लिखेगा। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर एज लिखेंगे, यहाँ पर जाति लिखेंगे, यहाँ पर पैन नंबर रहेगा, यहाँ पर अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, व्यवसाय आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर पता सहित आपको भर देना है। इसके बाद मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ मैं शपथ पत्र या स्वयं के लिए, अपने पुत्र या पुत्र के लिए। तो देखिए अगर आप खुद के लिए बनवा रहे हैं तो स्वयं के लिए करेंगे, अगर आप अपने पुत्र के लिए बनवा रहे हैं तो पुत्र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका नाम रहेगा जिसके नाम से ये बनाया जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम अपनी डाल देनी है, यहाँ पर शब्दों में इनकम फिल करनी है, यहाँ पर फिर से आपको ग्राम का नाम लिखना है, खसरा नंबर, रकबा और भूमि स्वामी से संबंध लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दिनांक आपको फिल करनी है, यहाँ पर घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर रहेंगे, यानी कि जो इस एफिडेविट को दे रहा है यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपका देनी है, यहाँ पर फोटो रहेगी जिसके नाम पे जारी किया जाना है, जिसके नाम पे बनाया जाना है, यानी कि पुत्र की फोटो या फिर जिसके स्टूडेंट की उसकी फोटो यहाँ पर रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो इस प्रकार से है, ये हलका पटवारी प्रतिवेदन है, यहाँ पर कार्यालय पटवारी हलका नंबर, तो आपकी प्रॉपर्टी जिस भी ग्राम से है उस पटवारी का आपको यहाँ पर हलका भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको तहसील भर देनी है, तहसील के बाद यहाँ पर आवेदक का नाम भरना है। इसके बाद यहाँ पर संपत्ति आपको पूरी दे देनी है, यहाँ पर फिर से आपको ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पर खसरा नंबर, रकवा लिखना है, भूमि स्वामी का नाम और भूमि स्वामी से संबंध। इसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है, इसे आपको अपने पटवारी से सर्टिफाइड करवा लेना है, यहाँ पर आपके पटवारी के सील और साइन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन कार्यालय का है, तो यहाँ पर आपको फिर से भरना है, यहाँ पर जिसके नाम पे जारी किया जाना है उसका नाम रहेगा। इसके बाद स्वयं या पुत्र पुत्री जिसके यहाँ पर पिता का नाम रहेगा, यहाँ पर ग्राम का नाम रहेगा, थाना वगैरह रहेगा। अब यहाँ पर आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो, तो यहाँ पर आपको जिसके नाम से जारी किया जाना है उसका फोटो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर इसे आप पूरा फिलअप करेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर जाति आपको लिख देना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका सरपंच के द्वारा लिखा हुआ कि आप इस जगह के स्थायी निवासी हैं या फिर वार्ड पार्षद के द्वारा लिखा हुआ। इसके बाद आपको आपकी फोटो यहां पर एक लगा देनी है। फोटो लगाने के बाद अब आपको एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट चलिए आपको बताता हूं कैसे इसका बनाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल डाउनलोड होगी। सेम वर्ड फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार की वर्ड फाइल ओपन होगी। ये शपथ पत्र है EWS सर्टिफिकेट बनवाने का। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय, तहसील विजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ये विजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश की जगह है, आपको अपनी तहसील का एड्रेस, अपने स्टेट का एड्रेस और अपनी डिस्ट्रिक्ट रिप्लेस कर लेना है। इसके बाद नीचे लिखना है शपथ पत्र प्रस्तुत करने बाबत श्रीमान तहसीलदार विजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको तहसीलदार विजरावगढ़ की जगह आपको अपनी तहसील लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कटनी की जगह आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखना है और मध्य प्रदेश की जगह अपने स्टेट का नाम लिख लेना है। इसके बाद नीचे आना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं राजा राम गुप्ता, पिता श्री राम निवास गुप्ता, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम दड़ौरी, पोस्ट छपना, थाना विजरावगढ़, तहसील विजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि। अब देखिए जिसके नाम पर EWS सर्टिफिकेट बनाया जाना है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि किसी क्लास में पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है और उसे कहीं पर भी EWS सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो जो एफिडेविट होता है वो पिताजी के नाम से दिया जाता है। एप्लीकेंट पिताजी होते हैं और बनता जो है वो स्टूडेंट के नाम पे जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो शपथ करता है पिताजी के नाम से आपको शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शपथ पत्र है ये पिताजी के नाम पर डिजाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपके दादाजी का नाम लिखना है, यानी कि पिताजी के पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी की एज रहेगी, इसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस रहेगा। शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि
शपथकर्ता बिजरावगढ़ तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी का पुस्तैनी निवासी। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल लेना है जहाँ के भी आप निवासी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एड्रेस डाला हुआ है डड़ौरी पोस्ट अपना, तो यहाँ पर अपना एड्रेस आपको रिप्लेस कर लेना है। इसके बाद यह है कि वित्तीय वर्ष 2019-20, अब आपको जिस भी ईयर में आप ये बनवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2020-21 में अपन ये बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2021 डाल दीजिए। यहाँ पर आप डाल देंगे 2021 में परिवार की कुल वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है तथा परिवार के स्वामित्व में कोई भी संपत्ति नहीं है। इसके बाद मूल शपथकर्ता की संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है, तो नीचे आप ये लिखेंगे, मूल शपथकर्ता के पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि नहीं है। बा में आप लिखेंगे 1200 वर्ग फुट या इससे अधिक का आवासीय मकान नहीं है। सा में आप लिखेंगे नगर पालिका क्षेत्र में 15 फुट से अधिक का मकान नहीं है। दा में आप लिखेंगे नगर परिषद की सीमा में 1800 वर्ग फुट या इससे अधिक का मकान नहीं है। इसके बाद तीसरा आपको लिखना है, मूल शपथकर्ता राजा राम गुप्ता की जाति गुप्ता है, उपजाति गुप्ता का सदस्य हूँ। अब यहाँ पर अगर आप तिवारी हैं या फिर कोई जनरल कैटेगरी से जो भी आपकी जाति हो, यहाँ पर आप उसे लिख देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अनुसूचित नहीं है। इसके बाद नीचे आपको लिखना है, साथ ही घोषणा करता हूँ उपरोक्त जानकारी सत्य सही है, सत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की सहमति प्रदान करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्थान लिख लेना है, जिस भी स्थान पर आप दे रहे हैं, यहाँ पर आपको डेट लिख लेनी है, यहाँ पर शपथ करता रहेगा। सत्यापन में आपको सेम लिखना है, मैं राजा राम गुप्ता पिता राम निवास गुप्ता, जो कि आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पर जिसके नाम से शपथ पत्र बन रहा है, यहाँ पर सेम यहाँ पर भी नाम रहेगा, यहाँ पर पिताजी का नाम रहेगा, यहाँ पर एज रहेगी। सत्यनिष्ठा पूर्वक सत्यापन करता हूँ उपरोक्त खंड क्रमांक 1 से 3 तक मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य है सही है, इसमें कोई भी तथ्य लुकाया छिपाया नहीं गया है। अगेन से आपको स्थान लिखना है, डेट लिखनी है और सत्यापन करता है यहाँ पर रहेगा। इसे आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट निकलवा लेना है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट निकलवाने के बाद आपको इसे नोटराइज कराना है नोटरी ऑफिसर से। इसके बाद आपको जो फॉर्म दिया गया है उसके पीछे लगा देना है और आपको अपने तहसील ऑफिस में जमा कर देना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम यानी कि EWS सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।